सर्व वैश्य समाज एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर वैश्य ने शनिवार को शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आज प्रांतीय और गोरखपुर जिला इकाई का गठन किया गया है और अध्यक्ष की घोषणा की गई है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर वैश्य और प्रदेश महासचिव सचिन जायसवाल ने राजेश जायसवाल को प्रदेश सचिव, दीनानाथ मोदनवाल को गोरखपुर जिला अध्यक्ष, कुंदन जायसवाल को जिला उपाध्यक्ष, सुनीता जायसवाल को उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष और सुमन जायसवाल को जिलाध्यक्ष के पद सौंपने की घोषणा की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सर्व वैश्य समाज एकता समिति के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर वैश्य ने कहा। चंद्रशेखर वैश्य उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं सर्व वैश्य समाज एकता समिति के। आज प्रेसवार्ता प्रांतीय और इस गोरखपुर जनपद की इकाई का गठन किया गया है, जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई है, जिला उपाध्यक्ष की घोषणा की गई है, महिला जिला की उपाध्यक्ष और प्रदेश सचिव की घोषणा की गई है। आज जो हमारे गोरखपुर जनपद के जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं वो दीनानाथ मदनवाल जी हैं और श्री कुंदन जायसवाल जी को गोरखपुर जनपद का उपाध्यक्ष बनाया गया है और श्रीमती सुनीता जायसवाल जी को उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है व सुमन जायसवाल को जिलाध्यक्ष गोरखपुर बनाया गया है। महिला अपने संगठन में हमारे वैश्य समाज की जितने जातियाँ आती हैं जिसमें मदनवाल समाज, अग्रहरी समाज, कसौधन समाज, अग्रवाल समाज और मध्यसिया समाज, जायसवाल समाज, सभी समाज के सभी जितने भी सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर एकजुट होकर के सर्व वैश्य समाज एकता समिति हर एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और कदम से कदम मिलाकर हर उनके सुख दुख में साथ चलने के लिए तत्पर रहेगी।